मैंने 10 साल पहले किसी पार्टी को सुना कि वो ये कहे कि हम राशन देंगे, बताओ ईमानदार से बताओ, कभी सुना क्या आपने? 10 साल पहले कोई पार्टी कहती थी कि हम राशन देंगे चुनाव में? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब हम अपने लोगों को पाठशाला खोल के मीटिंग करके जागरूक करने काम कर रहे थे, दुश्मन समझ गया कि अगर ये लोग जागरूक हो गए, उन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, वोट की शक्ति को समझा, तो इनका राज्य स्थापित हो जाएगा और सरकार बनाने की ताकत आपके मेरे पास है, जनता के पास है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। लेकिन हुआ क्या मेरे लोगों, जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, दुश्मन बहुत चालाक था। दुश्मन ने कहा इनके पास वोट अगर चली गई और इन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया तो इनका राज आ जाएगा। कल तक जिनको हम अपने डंडे से हाक लेते थे, जिनको अपमानित करते थे, कर नहीं पाएंगे। लोकतंत्र में जिसके पास शक्ति होगी वो आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने हमारी वोट को खरीदने का इंतजाम मौत से किया। कि मैंने अपने पिता को क्यों खोया? अगर मैं पैसे वाला होता या देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होती कि जो इलाज अमीरों को मिलता है वो इलाज गरीबों को भी मिल जाता, जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है वो किसान मजदूर मेहनत कर लोगों को भी मिल जाती, तो आज चंद्रशेखर के पिता मेरा हीरो जिंदा होता। लेकिन क्योंकि देश में गरीबों का, किसानों का, कमेरों का, मेहनत कर लोगों का कोई वजूद नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। मैंने पिछली सभा में भी आपको बताया था कि उस सड़क पे कोई किसान मरा पड़ा रहे, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अगर एक पशु मर जाए उस पे भी खबर बन जाएगी, मगर उस किसान की कोई खबर नहीं लेगा। तो मैंने अपने पिता को खो दिया और मेरे इस बीच में हॉस्पिटल के समय में मेरे पिता से मेरी बहुत बात हुई। उनका कहना था कि सबने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से जो फल मिला संविधान का अधिकार के रूप में, उसका फायदा तो उठा, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को कम नहीं किया। किसी ने भी माननीय काशीराम साहब के अलावा किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को, उनकी पीड़ा को समझने का काम नहीं किया। और एक बाप होने के नाते उन्होंने मुझसे बेटा होने के नाते इशारे में कहा कि चंद्रशेखर तुम भी विदेश चले जाओगे, पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, सेटल भी हो जाओगे, लेकिन अपने लोगों के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये जो कमजोर लोग हैं, इनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, सम्मानित मेरे परिजनों, उस दिन मैंने ये वादा किया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने पिता के पूरा जो अधूरा सपना, उनके मन में जो पीड़ा रह गई है, कि देश के हर एक व्यक्ति को वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भारत का संविधान सबके लिए देता है, मैं इस जीवन को उस काम के लिए लगाऊं। और 2013 से 2023 में हम लोग प्रवेश करते हैं। मेरे पास बहुत रास्ता थे। मैं चाहता किसी भी पार्टी का पिछड़ू बन जाता, बहुत ऑफर थे आप जानते हो मेरे लोगों, मैं MP MLA बन के घर में बैठ जाता, सुख सुविधा वाला हो जाता, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी थी कि आप लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, वो पूरी नहीं हो पाती, वो आग ठंडी नहीं हो पाती। मैंने जिस दिल में सारा ज्यादा से ज्यादा जीवन बिताया, मैंने उनसे प्रयास किया, किसी कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने ये तय किया कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो सकता है, इसलिए हमने, और असल में सबसे बड़े ज्ञान तब मिला जब मुझे 16 महीने के लिए बंद कर दिया गया। आपने अगर आपको याद हो, मेरा अपराध मात्र यह था कि मेरे लोगों के हाथ काटे गए, उनकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, और मैंने इस अन्याय को सहन नहीं किया। फिर मुझे जेल भेजा गया, मैं 16 महीने जेल में रहा, 10x6 की कोठरी में। जब पैर फैलाते थे एक तरफ सर लगता था, दूसरी तरफ पैर लगते थे, वही 3-2.5 फीट में शौचालय बना हुआ था, वही नहाना, वही फ्रेश होना, वही खाना, वही पढ़ना, वही सोना। और 16 महीने में दिन लगाओगे 500 से ज्यादा दिन होते, मैंने एक एक दिन इस बात के साथ काटा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा, इनको इनके पैरों पर जब तक खड़ा नहीं कर देता, मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा।
हर कोई राजनीति अपने मकसद के लिए कर रहा है। किसी का मकसद है कि उसके पास पैसे आ जाए, किसी का मकसद है कि उसका बड़ा सा घर बन जाए, किसी का मकसद है कि संपत्ति बच जाए, किसी का मकसद है कि उसके पास गाड़ी घोड़े सब तमाम चीजें आ जाए। लेकिन मेरे जीवन में एक लक्ष्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, हमारे संतों गुरुओं बुद्ध से लेकर सतगुरु रविदास जी के महाराज के सपनों का भारत बने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज के सपनों का भारत बने। और वो कैसा भारत होगा? वो ऐसा भारत होगा जिस भारत में कोई भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं, कोई भी बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे, कोई भी बुजुर्ग कोई भी नौजवान अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। जहां किसी के सपने नहीं कुचले जाएंगे, जहां पैसे कमी कारण आप में से कोई, जैसे मैं अभागा को बैठा अपने पिता को ना खो पाए, अपनी बहन को अपने भाई को अपने बच्चे को अपनी माँ को अपनी पत्नी को ना खो दे, एक ऐसा भारत जहाँ समता मूलक समाज हो, सब लोग बराबर हो, भाईचारे के साथ आगे बढ़े, प्रदेश भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, किसान के जीवन का भी मोल हो, मजदूर के जीवन का भी मोल हो, दलितों के जीवन का भी मोल हो, पिछड़ों के संघर्ष का भी मोल हो, आदिवासी की जल जंगल जमीन पर उसका अधिकार हो, और 52% आप पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण बने, जब 100 नौकरी आए तो 52 नौकरियों पे अगर 100 IAS IPS बनने हो तो 52 IPS बाल प्रजापति कश्यप गुजर जाट यादव के बच्चे निषाद मौर्य सबके बघेल के बच्चे बने, और जब 25% SC ST को मिला 25 पदों पर उनके बच्चे बैठे, और बाकी 25 पे जितनी जिसकी संख्या है उस हिसाब से उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन मेरे लोगों, जब राजतंत्र था तो हम लोग राजा के हिसाब से चलते थे, राजा ने जो कह दिया हम उसको मानते थे, राजा का जो मन हुआ उसने कानून बना दिया। लेकिन जब राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में कानून बनाने की ताकत सरकारों के पास है, और सरकार बनाने की ताकत आपके मेरे पास है, जनता के पास है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। लेकिन हुआ क्या मेरे लोगों, जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, दुश्मन बहुत चालाक था, दुश्मन ने कहा इनके पास वोट अगर चली गई और इन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया तो इनका राज आ जाएगा। कल तक जिनको हम अपने डंडे से हाथ लेते थे, जिनको अपमानित करते थे, कर नहीं पाएंगे। लोकतंत्र में जिसके पास शक्ति होगी वो आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने हमारी वोट को खरीदने का इंतजाम नोट से किया। आज तक भी वो नोट के अधिकार, नोट के हथियार से हमारी वोट को खरीद रहे हैं। सेवदा नेता, आप लोगों ने मेहनत की है, दामोदर भाई ने संघर्ष किया है, इसलिए आपकी ताकत का लोहा पूरा मध्य प्रदेश में आ रहा है। इस सेवड़ा को कोई नहीं रोक सकता, सेवड़ा इतिहास लिख के रखेगी। और आजाद समाज पार्टी काशीराम का पहला विधायक, दलित पिछड़े आदिवासियों का सच्चा बेटा, वो दामोदर यादव जो है वो विधानसभा में जा रहा है सेवड़ा से। ये बात आपने सुनिश्चित की है। लेकिन गौर करो, दुश्मन बहुत समझदार है। जब हमने 10 साल पहले ये मुहिम शुरू की और गांव-गांव जाके लोगों को समझाना सिखाना शुरू किया, पाठशालाएं खोली, लोगों को जागरूक किया, दुश्मन की भी आंखें हैं, दुश्मन को दूर से देख लेता है, वो कांटे को बहुत दूर से पहचानता है और वो विरोधी को भी बहुत दूर से पहचानता है। जब हमने संघर्ष शुरू किया, क्या आपने 10 साल पहले किसी पार्टी को सुना कि वो ये कहे कि हम राशन देंगे? बताओ, ईमानदारी से बताओ, कभी सुना क्या आपने 10 साल पहले कोई पार्टी कहती थी कि हम राशन देंगे चुनाव में? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब हम अपने लोगों को पाठशाला खोल के मीटिंग करके जागरूक करने काम कर रहे थे, दुश्मन समझ गया कि अगर ये लोग जागरूक हो गए, उन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, वोट की शक्ति को समझा, तो इनका राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए जब मैं आपको शासन करने की बात सिखाता हूँ तो वो आपको राशन की बात सिखाते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर राशन के साथ इनको नाम जाया,
उनको पता है कि आपके घर में कमजोरी है, उनको पता है कि आपके बनस्तर में एक महीने का आटा नहीं है। वो जानते हैं, उन्होंने जानबूझ के गरीबी बना के रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गरीबी खत्म हो गई तो इनके पास समय होगा, इनके बनस्तर में आटा होगा, किसी की मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, ये सोच विचार कर निर्णय लेंगे, और ये सोच विचार कर निर्णय लेंगे तो फिर ये अपने वोट को किसी भी कीमत पे दुश्मन को नहीं देंगे। उन्होंने दो तरीके बहुत अच्छे किए, पहला आदत बिगाड़ो राज करो, उन्होंने हमारे आसपास की बस्तियों में शराब के ठेके खोले, और वो चुनाव के समय हमारी बस्तियों में आके शराब बांटते हैं, हम शराब नहीं पीते मेरे लोगों की, हम अपने बच्चों का, अपने महापुरुषों के बलिदान का खून भी पी के दुश्मन को ताकतवर करने का काम करते हैं। आप समझते हो जो आपको बराबर में बिठाए गए तो आपको चुनाव में शराब क्यों पिलाता है, वो आपको इसलिए पिलाता है कि आपकी आदत बिगड़ी रहे, आप शराब को ताकत मान के उनकी मदद करो। जैसा मैंने कहा कि जब मैं शासन की बात करता हूँ तो वो राशन की बात करते हैं, वो आपके पेट की कमजोरी को जानते हैं। मेरे लोगों मुझे एक बात बताओ, जिसका शासन होगा उसके लोगों को राशन के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? जो जिनका शासन होता है वही तो तय करते हैं एमएसपी की गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जिनकी सरकार है वही तो बताते फसल का दाम क्या होगा, बताओ वही बताते हैं ना? जिनकी जिनकी सरकार है वही तो ये तय करते हैं ना कि रोजगार किनको मिलेगा, कहते नहीं करते किस विभाग में कितनी भर्ती आएगी? जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं लोन किसको मिलेगा, जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि सुरक्षा किसको मिलेगी, जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि जमीन किसको मिलेगी। आप अगर अपनी ताकत बनाओगे तो ये अधिकार आपके पास आ जाएगा, वो इस बात को जानते हैं, इसलिए पैसे पे वो तमाशा देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी भी लोग तैयार नहीं हुए, पिट के छिट के अन्याय करके लोग तैयार नहीं है, जब चुनाव आएगा हम पैसा फेंक के इनकी वोट को खरीद लेंगे। आपके पास मौका है मेरे लोगों, अपनी वोट को बेचने के बारे में बिल्कुल मत सोच लेना, क्योंकि अगर आप अपनी वोट को बेचने के बारे में सोचते हो तो आप महापुरुषों के सपनों का कत्ल करते हो। जिन 12 साल अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे आपके लिए कुर्बान किए, क्या उनके द्वारा दिया गया अधिकार वोट बेचने के लिए है? वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का आधार बिकने के लिए नहीं मिला। देखो सरकारें कह रही है ना कि राशन देंगे, कह रही है ना प्रधानमंत्री जी आगे कह रहे ना मध्य प्रदेश में कि 5 लाख के लिए राशन की योजना को आगे बढ़ा रहा हूं, कहा ना प्रधानमंत्री जी ने? आप मुझे बताओ जो मुर्गा पालते हैं, मुर्गा फार्म खोलते हैं, वो भी तो अपने मुर्गों को दाना खिलाते नहीं खिलाते हैं? सोचो, खिलाते नहीं खिलाते हैं? क्यों खिलाते हैं? कि वो खा पी के मोटे ताजे हो जाए और फिर उनको उसको स्लॉटर हाउस में भेजने में आनंद आए, उनके अच्छे पैसे मिल जाए। देखो आपकी वोट लेके आपकी ताकत से वो राज कर रहे हैं और आपकी संख्या लोकतंत्र में सबसे ज्यादा है, आपके लिए रोज रोज सभाएं करनी पड़ रही है कि भाई मान जाओ, इस बार गलती मत करो, किसी की बातों में मत आओ, आप ही बताओ। मैं अपने नौजवान भाइयों से पूछ रहा हूं जिन्होंने मुझे यहां लाके खड़ा किया, जिन्होंने मेरे लिए मुसीबत झेली, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने संघर्ष किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, क्या किसी की इतनी बड़ी सभा हो रही है सेवड़ा में? आप ईमानदार से बताओ तो सेवड़ा में आपका मुकाबला किसी और से तो नहीं है, आपका मुकाबला आपसे ही है ना? देखो फिर कह रहा हूं, गौर करो, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं आप में से? हाथ उठा के क्रिकेट देखते हैं, बहुत बढ़िया। अभी अफगानिस्तान का और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, अफगानिस्तान ने 91 रन में 7 विकेट गिर दिए और प्रेडिक्शन क्या बना कि 95% प्रेडिक्शन बना कि अफगानिस्तान जीत रही है, जैसे आज यहां बन रहा कि सेवड़ा हम लोग जीत रहे, लेकिन जैसे ये प्रेडिक्शन बना तो अफगानिस्तान के लोग रिलैक्स हो गए, उन्होंने कहा भाई अब तो जीत जाएंगे, ऐसे कंधे पे हाथ रख के आराम से बैठ गए, 2 कैच छोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ कि हार गए ना? इसलिए आपसे कहने के लिए आया, अगर वास्तविकता में आप मुझे ताकत देना चाहते हैं, आप कहते चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो हम आपके साथ, और आप कहते हो हमें राज जाना है, जब तक आप अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी को नहीं दोगे राज कैसे आएगा भाई बताओ? आप बताओ राज क्या सड़क पे नारा लगाने से आ जाएगा?
राज कैसे आएगा? मिठाई खाने से आ जाएगा, राज तो संघर्ष करने से आएगा ना। माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि सत्ता संघर्ष से मिलती है, और संघर्ष कौन कर रहा है पूरे देश में? आप दिन पे हाथ करके बताओ, 600 करोड़ लोगों को आप बताओ कौन कर रहा है संघर्ष? किसानों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। दलितों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। मुसलमानों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। ओबीसी महासभा के आरक्षण की लड़ाई मध्य प्रदेश में हो, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। ईसाइयों की लड़ाई हो, बुद्धिस्टों की लड़ाई हो, किसी की कोई लड़ाई हो, सीएम के एनआरसी का मामला हो, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आप सबके साथ खड़ी है। जबकि वोट का मामला आएगा, जब वोट का मामला आएगा तो दुश्मन आपको देगा चंद्रशेखर पर ताकतवर मत करो। क्यों ना करो चंद्रशेखर पर ताकतवर? आप मुझे बताओ, अपने दिल पे आरोप लगाओ, चंद्रशेखर ताकतवर होगा तो आप ताकतवर होंगे नहीं होंगे मुझे बताओ मेरे लोग। मैंने अभी हमारे बड़ी नेता की एक सभा सुनी, ये अंजुम ने रिकॉर्ड की थी, मैंने इसके उसमें ब्लॉग में देखी। ये एक लड़के से पूछ रहा है वोट किसको दोगे, सभा में तो आए हो आप बहन जी की, तो उसने कहा वोट देंगे रावण भैया को। इसने मैंने देख लिया इसके ब्लॉग में, वो कह रहा वोट देंगे उनको। इसने कहा क्यों? कह रहे नहीं वो बस उन्हीं को देनी है वोट से उड़ा में। तो इसने कहा यहाँ क्यों है? कह रहे वो बड़ी है उनको देखने के लिए आए, देखी नहीं थी उनको। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो आप मन बना लो, अगर इतिहास लिखना चाहते हो मध्य प्रदेश मेरे लोगों को, मन बना एक भी वोट खराब नहीं करेंगे। और देखो ये मुझसे दामोदर कान में कहा कि 90% युवा वोट दे रहे हैं, मगर बताओ जब तक तुम घर में जाके इस वोट को 3-4 वोट में नहीं बदलोगे, बहन को मां को नहीं बताओगे कि अपने बेटे को अपने भाई को ताकत देनी, तो कैसे बनेगी बात बताओ? अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप बताओ? आप चाहते हो या नहीं चाहते श्रीडा में हम लोग आगे बढ़े बताओ, दिल से बताओ, दोनों हाथ बांध दो, पीछे खड़े हो बताओ, आपके जीवन में मेरे संघर्ष का मोल है या नहीं बताओ। देखो नेताओं को लुभाने पटाने के लिए उनके पास बहुत सब चीजें, वो किसी को पैसे से खरीदते हैं, किसी को साधन से खरीदते हैं, किसी को सीबीआई से डराते हैं, किसी को ईडी से, किसी को इनकम टैक्स से, किसी को एनआईए से। और जब उन्होंने मुझे रोक नहीं पाए तो उन्होंने यहां मुझे गोली चलाई, यहां 4 गोली चलाई उन्होंने मेरे ऊपर, 4 गोली चली और मैं फिर भी नहीं मरा। हम लोग डर रहा हूं, सुनो जिनके ऊपर उनके भाइयों का प्यार